एटीएम मशीन में कैश लोडिंग के लिए एक ब्रांच सुपरवाइजर होता है जो एटीएम मशीन में सबसे पहले एटीएम कार्ड की तरह दिखने वाले एडमिन कार्ड को इंसर्ट करके एडमिन पिन एंटर करके कैश का सब टोटल एंट्री लेता है। इसके बाद वो इस एटीएम मशीन के टॉप से लॉक को खोलकर अंदर डाइवर्ट कैसेट्स में कलेक्टेड रिजेक्टेड नोट्स को निकालता है और इसी के नीचे हर टाइप के नोट्स के लिए अलग अलग कैसेट्स होते हैं जिनमें नोट्स के बंडल को कुछ इस तरह से सेट करके एटीएम मशीन में ये कैसेट सेट कर दिए जाते हैं। कैश फिलअप के बाद कैश का सब टोटल एंट्री लेकर सुपरवाइजर एटीएम मशीन को लॉक कर देता है और एटीएम कैश विथड्रॉल के लिए रेडी हो जाता है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।